बोल रहे हैं दोस्तों, आपको कैमरा फोन लेना है और आप सबका बजट है 15,000 रुपए, तो ये वीडियो आप सबके लिए ही है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ आप सबको बेस्ट कैमरा फोन अंडर 15,000 दोस्तों। और मैं आपको रैंकिंग देके कंफ्यूज नहीं करने वाला, आपको मैं आपके बजट के हिसाब से स्मार्टफोन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, अपना स्मार्टफोन आपके बजट में जो फिट होता है वो जरूर देखिए। बाकी बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट है 11,000 रुपये तो दोस्तों आपके लिए जो स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है वो है पोको की तरफ से, जो कि पोको M3 है। इसके अंदर आपको रियर में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है, 48+2+2 मेगापिक्सल, 48 का मेन सेंसर है दोस्तों और 2 का मैक्रो है, 2 का डेप्थ सेंसर है। और आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो आप बैक से यानी कि फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे, और स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप 120 FPS पे, और साथ में फ्रंट में आप फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। बाकी काफ़ी अच्छा कैमरा है दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंदर, और आपको 6 GB की रैम मिल जाती है इस प्राइस रेंज के अंदर, आपको 64 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। बट हम फोकस करते हैं कैमरा पे, तो आपको काफ़ी अच्छा कैमरा मिलने वाला है 11,000 के अंदर, यानी कि ये बेस्ट होने वाला है 11,000 के अंदर। अगर आपका बजट है 11,000 रुपये दोस्तों तो आप जाके ये वाला स्मार्टफोन बाय कीजिए। और दोस्तों अगर आपका बजट है 12 से 12,500 रुपये तो आपके लिए जो स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है वो रियलमी की तरफ से, जो कि रियलमी नार्जो 30 है। ये भी हाल ही में लॉन्च हुआ था। इसके अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, बैक के अंदर 48+2+2 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, वो सैमसंग का सेंसर है और काफ़ी अच्छा सेंसर है दोस्तों। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 का मोनो सेंसर देखने को मिल जाता है आप सबको, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर देखने को मिल जाता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 4K 30 FPS पे शूट करने को मिल जाता है, और फुल HD में आप 60 FPS तक भी शूट कर सकते हैं, और आपको स्लो मोशन का भी मतलब फीचर देखने को मिल जाता है बैक और फ्रंट दोनों में ही दोस्तों। बैक में आप 720p पे 240 FPS पे शूट कर सकते हैं, और फुल HD में आप 120 FPS पे शूट कर सकते हैं, और फ्रंट की बात की जाए तो आप यहाँ पे 120 FPS पे शूट कर सकते हैं स्लो मोशन, वो भी फ्रंट के अंदर। काफ़ी कमाल है दोस्तों, यानी कि आपको जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी कमाल मिलने वाला है पोको M3 से। बाकी जो मेन सेंसर है, बैक सेंसर है, वो मतलब सिमिलर ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी आपको इसके अंदर फास्ट चार्जिंग वगैरह देखने को मिल जाएंगी, और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स वो देखने को मिल जाएंगे, नाइट मोड वगैरह काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है दोस्तों, अगर आपका इतना बजट है तो आप जाके ये स्मार्टफोन ले सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 13,000 रुपये की। अगर आपको 13,000 के अंडर या 13,000 के करीब में कोई स्मार्टफोन चाहिए तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट रहने वाला है वो है रेडमी की तरफ से, जो कि रेडमी नोट 10 है दोस्तों। इसके अंदर आपको बैक के अंदर 4 कैमरा देखने को मिल जाएंगे, 48+8+2+2 मेगापिक्सल का, 48 का मेन सेंसर है दोस्तों, सोनी का सेंसर है, काफ़ी अच्छी मतलब आपको फोटोग्राफी करके देता है, और आपको 8 का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है जिसका फील्ड ऑफ व्यू 118 डिग्री का है दोस्तों। काफ़ी वाइड है इस प्राइस रेंज को देखा जाए तो। एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का, और आपको 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात की जाए तो आपको 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है, पंच होल डिस्प्ले मतलब है इसके अंदर, और आपको पंच होल में देखने को मिलता है वो कैमरा, और काफ़ी कमाल है दोस्तों। बाकी बात की जाए इसके मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आप 4K वगैरह सब में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपका बजट है 13,000 रुपये तो ये मैं मतलब पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप 13,000 के अंदर इसी स्मार्टफोन को बाय कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। बट मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी UI के अंदर लैग वगैरह मिल सकते हैं, बाकी वो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इम्प्रूव हो सकते हैं। बाकी कैमरा की बात की जाए तो कैमरा के अंदर ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है दोस्तों 13,000 के अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं 14 से 14,500 प्राइस ब्रैकेट की। इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको एक ही स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है, जो कि है मोटो की तरफ से, जो कि मोटो G40 फ्यूजन है। इसके अंदर आपको रियर में 64 का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, 8 का अल्ट्रावाइड देखने को मिल जाता है, और 2 का आपको माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी फ्रंट की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 60 मेगापिक्सल सेंसर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं आप बैक फ्रंट दोनों से ही दोस्तों, और फुल HD पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्लो मोशन वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है इसके अंदर आपको। और ये सबसे सस्ता 732G वाला स्मार्टफोन है, यानी कि जो प्रोसेसर है सबसे सस्ता, मतलब इस प्राइस रेंज में कोई स्मार्टफोन नहीं देता आपके अंदर ये प्रोसेसर। बाकी कैमरास की बात की जाए तो यहाँ पे कैमरास है जो काफ़ी कमाल है दोस्तों। अगर आपको नेचुरल फोटोग्राफी का शौक है, यानी कि आप वीडियो या फिर आप फोटोज़ एडिट करना चाहते हैं, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको नेचुरल यानी कि क्लोज टू रियलिटी देखने को मिल जाती है फोटोज़ और वीडियोज़ दोस्तों। बाकी इस प्राइस रेंज के अंदर ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है कैमरा के लिए दोस्तों।
अगर आपका बजट इतना है तो आप जाके मोटो का G40 फ्यूजन बाय कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं 15,000 प्राइस ब्रैकेट की। यहाँ पे आसपास में आपको एक ही स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा बजट स्ट्रेच करना पड़ेगा अपना। मैं बात कर रहा हूँ रेडमी नोट 10 प्रो की। यह आपको 16,000 का देखने को मिलता है दोस्तों, बट ऑफर्स वगैरह लगा के आपको ये 15,000 के करीब मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता है तो दोस्तों मैं आपको मतलब सजेस्ट करता हूँ थोड़ा सा बजट स्ट्रेच कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको रियर में 4 कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जो कि है 108 का मेन सेंसर, सैमसंग का सेंसर है दोस्तों। आपको 8 का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, 5 का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है और 2 का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 60 की सेल्फी देखने को मिल जाती है दोस्तों। और जो बैक कैमरा है ना दोस्तों, वो काफ़ी कमाल 108 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। और जो मैक्रो की बात की जाए तो इस प्राइस रेंज में कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जो इससे बढ़िया मैक्रो फोटोग्राफी करके देता हुआ आपको। बाकी नाइट मोड वगैरह भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों ओवरऑल लगा के, यानी कि इस प्राइस रेंज में ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर आप मतलब लेना चाहते हैं कोई स्मार्टफोन तो थोड़ा सा दोस्तों बजट स्ट्रेच कीजिए ये, क्योंकि आपके लिए बेस्ट स्पेसिफिकेशन ला सकता है कैमरा के लिए और ओवरऑल भी सबसे बेस्ट ला सकता है। बस रेडमी के फ़ोन में एक थोड़ी सी गड़बड़ी लगती है मुझे कि सिस्टम UI में थोड़े बहुत लैग देखने को मिल सकते हैं, बट वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू इम्प्रूव हो सकते हैं, शाओमी कर सकता है यानी कि रेडमी कर सकता है। बाकी दोस्तों यही हमारी लिस्ट ख़त्म होती है। अगर दोस्तों इसके अलावा आपकी कोई लिस्ट है, अपनी कोई लिस्ट है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप सबको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बाकी आप सबका दिन मंगलमय हो।